लेबर के इशू को बिल्कुल कोई कवरेज नहीं है, ट्रेड यूनियन से चैलेंज है, ये उनको भी पता है। यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां बच्चे ये समझ रहे हैं हम गरीब के हैं, जूता सिलने वाले का बच्चा हूं मैं, दुकान पे काम करने वाले का बच्चा हूं, और मेरे से जेएनयू छिन जाएगी तो मैं पढ़ाई से वंचित हो जाऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि ट्रेड यूनियन सब जगह अपना झंडा ही दिखाएं। ये जरूरी है कि उनके परिवार के बच्चे लड़ रहे हैं, उनके परिवार की महिलाएं हैं, तो वो पुरुष भी उनके साथ खड़ा होगा। जहां पुरुष मैदान में है तो स्त्री उनके साथ जा करके खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेड यूनियंस अपना स्पेस नहीं बना पा रहे हैं या लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन हमको लेबर के इशू को बिल्कुल कोई कवरेज नहीं है। जो जगह जगह पर हमारी लड़ाई चल रही होती है उसका कहीं रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। इसको रस्मी नहीं कहेंगे, ये एक प्रोसेस होती है। वर्कर ही प्रिपेयर्ड होता है तो ही स्ट्राइक हुआ करती है। वर्कर्स ही रेडी हो तो एक की बजाय दो दिन या तीन दिन हो सकती है, वर्कर्स प्रिपेयर्ड हो तो इनडेफिनेट हो सकती है। उनकी मूवमेंट और उनके ऊपर अटैक की इंटेंसिटी क्या है उसके हिसाब से समझ में आता है। जैसे आपने देखा डिफेंस सेक्टर ने महीने की हड़ताल का नोटिस दिया, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि सरकार ने पूरा वाइंड अप करने का निर्णय लिया तो वो नीचे उतरे। रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स का जब उन्होंने कह दिया कि हम इनको कॉर्पोरेटाइज कर देंगे तो यूनियन का इंतजार नहीं किया उन्होंने, वो वर्कर अपनी फैमिलीज को लेके सड़क के ऊपर आ गया। तो कोल का जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, 5 दिन की भी प्रिपरेशन नहीं करी कोल वालों ने और 100% स्ट्राइक करके दिखा दी। तो इसलिए ये भी होता है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ अटैक कितना है और वर्कर की कॉन्शियसनेस में उस अटैक को वो कैसे देखता है, उस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करता है। और ट्रेड यूनियंस वर्कर्स के ओपिनियंस के बेसिस के ऊपर, उनकी मोबिलाइजेशन के बेसिस के ऊपर काम करती है। अगर इरेलीवेंट हो रहा है तो जगह जगह इंडस्ट्रियल एरियाज में लड़ाई कौन लीड कर रहा है, वो अपने आप तो वर्कर नहीं कर रहे हैं ना, ट्रेड यूनियंस ही लीड कर रहे हैं। ये इस बात से साफ समझ में आता है कि ट्रेड यूनियंस लड़ाई में अग्रणी कतार में है, उसको सबसे बड़ी रेजिस्टेंस सरकार समझती है, इसीलिए लेबर लॉज में चेंजेस करके, ट्रेड यूनियन एक्ट में चेंजेस करके उनको कंटेन करने की कोशिश है। उसका सोसाइटी में रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के एक्शन में दिख रहा है कि वो कंटेन करना चाहते हैं वर्किंग क्लास को। और जहाँ तक सवाल है कि एकदम दिखता है जब मिडिल क्लासेस के अंदर रिजेंटमेंट और सड़कों पे लोग आते हैं तो मीडिया कवरेज भी उनको मिलती है, इवन दोज विच आर नॉट फ्रेंडली मीडिया, जो वर्कर्स के एस्पिरेशंस को उनको भी मजबूरी में देना पड़ता है। इन्होंने जामिया के ऊपर जब अटैक हुआ है तो इन्होंने पूरे डिस्कोर्स को, नैरेटिव को बदलने की कोशिश की, बदल नहीं पाए क्योंकि यूनिवर्सिटी आफ्टर यूनिवर्सिटी वो अटैक शुरू हो गया और फिर जनरल मैसेज आ गए, तो नॉर्मल मीडिया भी उसको कवरेज से रोक नहीं पाया, वो कवरेज हुआ। ट्रेड यूनियंस जो उनके साथ चैलेंज या एक्शन लेती हैं वो जितना बड़े पैमाने पे होना चाहिए वो नहीं है, इससे मैं आपसे सहमत हूँ। जितने बड़े पैमाने पे होना चाहिए उतने बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन चैलेंज हो रहा है क्योंकि जो लेबर है वो कंकरेंट लिस्ट में भी है। जो पीपल्स इश्यूज पे जिनको आप कह रहे हैं वो चैलेंज दे रहे हैं, वो कौन से इश्यूज हैं जहां पर कॉमन मैन की खुद की मौजूदगी, उसकी एग्जिस्टेंस, उसका वजूद ही चुनौती में सरकार ने डाल दिया है, इसलिए वो मैदान में है। बच्चे इसलिए यूनिवर्सिटियों में मैदान के अंदर हैं कि उनकी शिक्षा ही नहीं रहेगी कल को। हमने तुरंत ही जो घटना हुई थी उसके बाद अपनी ट्रेड यूनियंस को आह्वान किया कि खुद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए, दूसरी यूनियंस के साथ मिलके कीजिए, और जहां पर नहीं यूनियंस मैदान में आ पा रही हैं वहां जो प्रोटेस्ट सिटीजन्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें मोबिलाइजेशन कीजिए। तो ये नहीं है कि ट्रेड यूनियंस उसमें नहीं है, हम लोग यूनाइटेडली इसी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के प्लेटफॉर्म से तुरंत ही 15 की घटना हुई और 17 को यूनाइटेड स्टेटमेंट गया पूरे हिंदुस्तान में यूनियंस को, और 16 को हम लोगों ने IRTUC की तरफ से पूरे देश की अपनी सारी यूनियंस को यह हिदायत दी कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करो अपने झंडे के नीचे, जहां यूनाइटेडली कर सकते हो करो, और जहां पर ये पॉसिबल नहीं तो सीधे जाके मोबिलाइज होके सिटीजन्स की उस इशू के अंदर शामिल हो जाओ। तो ऐसा नहीं है, आप हम ये समझते हैं कि जहां सिटीजन कर रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वो अपनी ट्रेड यूनियन के झंडे को लेके जाने की बजाय हमें, हमारे वो बच्चे हैं, हमारी वो महिलाएँ हैं, तो हम सबको जाके उनके साथ गिनती बढ़ानी चाहिए, ताकत दिखानी चाहिए।